हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हाईवे इंजीनियरिंग। और ये हमारी रिटेनिंग वॉल, आरसीसी रिटेनिंग वॉल का कंस्ट्रक्शन आज हम कर रहे हैं। आरसीसी रिटेनिंग वॉल के लिए जो आप देख रहे हैं, ये हमारी एग्जिस्टिंग रिटेनिंग वॉल हमने बना रखी है। तो इसको हम आज फर्स्ट लिफ्ट इसका कॉस्टिंग करेंगे, फर्स्ट लिफ्ट की कॉन्क्रीटिंग आज हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट लिफ्ट की कॉन्क्रीटिंग के लिए शटरिंग, सेंटरिंग और जो रेनफोर्समेंट है वो तैयार हो चुका है। तो इसको चेक करने वाले हैं आज हम। इसमें क्या क्या जानकारी है पहले बता देता हूँ। ये जो आप सबसे नीचे कंक्रीट की बेस देख रहे हैं, ये जो कंक्रीट की बेस है ये हमारी फुटिंग है, ठीक है। कंक्रीट की फुटिंग हम कर चुके हैं। तो ये कंक्रीट की फुटिंग का टॉप है, जिसकी जो चौड़ाई है, कंक्रीट की फुटिंग का टॉप की चौड़ाई है वो 3.25 मीटर है। और इसकी जो बॉटम, जो कि हम नीचे दिखा नहीं पाऊंगा, जो कंक्रीट की बॉटम रहेगी, फुटिंग की बॉटम, वो 4.5 मीटर के आसपास है। और इसकी हाइट जो है वो 1.5 मीटर है। अब जब हम कंक्रीट की जो फर्स्ट लिफ्ट है, रिटेनिंग वॉल की फर्स्ट लिफ्ट है, उसका कास्टिंग करेंगे, तो उस पर जो शटरिंग है, सेंटरिंग हमने की है, तो इसमें बता देता हूँ। ये जो हमारी वार है, ठीक है, ये हमारी मेन वार है, जो कि हम फुटिंग से ही कंटिन्यू ऊपर तक ले जा रहे हैं, ठीक है। ऊपर तक कंटिन्यू हमारी मेन वार जाएगी, जो कि रिटेनिंग वाल के टॉप तक हमारी एक यूनिट में एक सिंगल वार हमारा जा रहा है, ठीक है। कवर ब्लॉक आप देख रहे हैं, अभी लगाए जा रहे हैं, कुछ कम है इसमें तो और लगवा देंगे। ये 50 mm का कवर हमने लिया है। जो इसकी स्पेसिंग है, ठीक है, स्पेसिंग है 30 सेंटीमीटर, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग इसका लिया हुआ है। और ये जो आप पाइप्स देख रहे हैं फ्रेंड, ये हमने लगाए हैं बी फॉल्स के लिए। बी फॉल्स क्या होते हैं फ्रेंड, जैसे ये हमारी रिटेनिंग वॉल है, तो इसके साइड में हमने अर्थ का या मिट्टी का फिलिंग करेंगे। तो क्या होगा, जब बारिश के सीजन में या वाटर लॉक जब भी ये हो जाएगी, तो इसके अंदर जो पानी आ जाएगा मिट्टी के अंदर, वो पानी आपके इंटरनल जो मिट्टी है, इंटरनल बॉडी से आपके जो फ्री स्पेस रहेगा वहाँ पे निकल जाएगा। यानी कि जो यहाँ से हमारा पानी जो आएगा वो बाहर की तरफ निकल जाएगा इन बी फॉल्स की हेल्प से। बी फॉल हमने थोड़े से आप देख रहे हैं स्लोप में डाले हैं, क्योंकि स्लोप में जो आपके इंटरनल साइड में जो पानी रहेगा, जब आप उसमें स्लोप देंगे तो स्लोप के द्वारा ही ये ग्रेविटी से बाहर की तरफ जा पाएगा। इसका जो स्लोप है वो है 1:20, यानी कि जो हमारे 3.2 मीटर की चौड़ाई के लिए जो स्लोप है वो रहेगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 1:20 के हिसाब से 15 सेंटीमीटर हमने इसमें स्लोप दिया है। ये साइड जो है वो इस साइड की तुलना में 15 सेंटीमीटर ऊपर है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पाइप है, ये हमारे हैं टाई रॉड, ठीक है। टाई रॉड इन्हें बोलते हैं हम, टायर रॉड, इसलिए कि जो हमारी शटरिंग का टॉप है वो स्टेबल रहे, फिक्स रहे, कसा हुआ रहे, क्योंकि हमारी जो टॉप हमें चाहिए वो फिक्स है। अगर हम आपकी शटरिंग को लूज शटरिंग कर देंगे तो इसे जो कॉन्क्रीटिंग होने के टाइम पे ये फैल जाएगी, जिससे हमारी जो कॉन्क्रीट है वो डिसबैलेंस हो जाएगी। और जो हमें फिनिशिंग चाहिए, वो फिनिशिंग हमारी कॉन्क्रीटिंग वर्क में नहीं आती। तो जो पाइप आप देख रहे हैं, ये केसिंग पाइप जो देख रहे हैं, इसके अंदर हम ये टायर रॉड इंसर्ट कर देते हैं। ये हमारी टायर रॉड है, जिससे कि ये जो हमारी शटरिंग है वो कस दी जाती है। और बाद में ये जो पाइप है ये तो कंक्रीट के अंदर ही रह जाता है, और टाई जो रॉड है हमारी वो हम बाहर खींच लेते हैं, ठीक है। तो अभी फर्स्ट लिफ्ट के लिए हमने सेंटरिंग का वर्क कर लिया है। फर्स्ट लिफ्ट टॉप तक कंक्रीटिंग करने के बाद हम इसकी सेकेंड लिफ्ट चलेंगे। 1.5 मीटर की फर्स्ट लिफ्ट रहेगी, फिर 1.5 मीटर की सेकेंड लिफ्ट, फिर 1.5 मीटर की थर्ड लिफ्ट। और इस प्रकार से स्लोप में जो हमारा इसका बॉटम है 3.25 मीटर जो बॉटम है रिटेनिंग वॉल का, ठीक है, और 40 सेंटीमीटर हमें टॉप पर इसकी चौड़ाई लेनी है। ओके सेंट ओके फ्रेंड, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलूंगा आपसे दूसरी वीडियो में।